ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं, ये वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया गया है, यानी इस वीडियो में कोई भी ऐड नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको पता है देश में अभी कंडीशन क्या चल रहा है, और हर एक जितने भी व्यक्ति है, जितने भी हिंदुस्तानी है, सभी के अंदर आज कहीं ना कहीं सभी बहुत दुखी है। लेकिन मैं आज आपको 5 चीज ऐसा बताऊंगा, अगर आप ट्रू इंडियन है तो जरूर फॉलो करिएगा, और ये आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये देशभक्ति ना बंद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बंद होना चाहिए? पहला कारण, पहला आपको ये करना है, जितने भी मेरे भाई बहन है जो भी सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब किए हैं, या फिर जितने भी स्टूडेंट यहां पढ़ते हैं, वो तो कम से कम ये चीज को फॉलो करिएगा। अगर आप सच में भारत माँ के लिए, या फिर जितने भी इंडियन आर्मी के जवान हैं, उनके लिए आपके अंदर थोड़ा भी दिल में जगह है ना, तो ये चीज फॉलो करिएगा। वरना क्या है, मीडिया कल भूल जाएगी, जितने भी नेता है वो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप याद रखेंगे ना तो वो भी याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला बात ये है कि आप अपने, अगर आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कहीं पर भी है, आप अपना जो डीपी है ना, उसको आप पहले क्या करिएगा, इंडियन फ्लैग लगा कर रखिएगा अपने डीपी पर, अपने प्रोफाइल पिक पर। वो सिर्फ आज के दिखावे के लिए नहीं, मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूं, तब के लिए बोल रहा हूं जब तक बदला पूरा ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है आज ऐसा हुआ है तो मीडिया कवर कर रहा है, आप सभी जगह पढ़ रहे हैं, आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल है तो वीडियो शेयर कर रहे हैं, पिक शेयर कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या होगा, सभी भूल जाएंगे, फिर वही सब चलेगा। तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आपको, आप इंडियन फ्लैग, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप आजीवन लगाओ, बस आप तब तक लगाओ तब तक बदला पूरा ना हो जाए, तब तक हमको ऐसा कंडीशन ना मिल जाए, ऐसा सबूत ना मिल जाए कि जो बदला है ना वो पूरा हो जाए। क्योंकि आपको पता है ना कि मीडिया आज है कल भूल जाएगी, जब तक इसका बदला नहीं लिया जाता तब तक हम लोग इंडियन फ्लैग लगा कर रखेंगे, जितने भी यूजर है। पहला काम आपको यह करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि फेसबुक अगर आप यूज करते हैं, या फिर व्हाट्सएप या टिकटॉक, तो आज के दिन या फिर 2-3 दिन कोई कॉमेडी वीडियो या फिर कुछ भी मत डालिएगा, ताकि जितने भी मेरे भाई शहीद हुए, जितने भी जवान शहीद हुए ना, उनके परिवार को कमी फील ना हो, क्योंकि उनको भी लगे कि 131 करोड़ की आबादी का देश भारत आज उनके साथ खड़ा है, उनको ना गर्व फील हो कि हाँ मैंने किसी को फौज में भेजा, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो कोई भी वैलेंटाइन डे गया तेल लेने, यार पहले तो वो छोड़ ही दो, आप लोग 3-4 दिन आप लोग एक पोस्ट, मैं बोल रहा हूं ज्यादा नहीं, अगर एक आदमी एक पोस्ट शेयर करता है ना, तो 131 करोड़ के आबादी में अगर 50 करोड़ भी जो यूजर है अगर इस सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो 50 करोड़ आबादी बहुत ज्यादा होता है, पूरे विश्व को पता चलेगा कि पूरा देश आज साथ में है। और सबसे बड़ी बात है, जिनके घर के बेटे शहीद हुए ना, उनको फील होगा कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है, उनको अकेलापन महसूस नहीं होगा। दूसरा काम आपको यह करना है कि एक जो पोस्ट है वो शेयर करना है। थर्ड जो काम आपको करना है, जितने भी मेरे भाई बहन है, एक कैंडल या एक दिया जरूर जलाइएगा उन शहीद के नाम पर जो शहीद हुए हैं। अब बहुत जन जलाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं रिमोट चलाकर, लेकिन जलाते नहीं है। हाँ, उनको पता है कि दुख होता है, लेकिन जलाता कोई नहीं है। लेकिन हाँ, आप बेड से उठिए, सोफा से उठिए, जाइए खाना खाकर सोने से पहले एक कैंडल आपको जलाना है। आपको नहीं देखना है कि कौन जला रहा है कौन नहीं जला रहा है, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आप जलाएंगे, और अपने रिलेटिव को भी फोन करिएगा कि वो भी जलाए, इतना काम करिएगा सभी कोई। थर्ड कि आपको एक जो कैंडल है ना वो आपको जलाना है। जो चौथा जो आपको काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि 14 फरवरी को आजीवन जब तक आप जिंदा रहेंगे ना, तो आप ये नहीं मनाएंगे, ये तो मैं लिखूंगा ही नहीं, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को हम लोग अक्सर क्या मनाते हैं, शहीद दिवस, आपको पता है उस दिन क्या हुआ था, लेकिन कल भी ये चीज हुआ, तो फिर भी क्या होते हैं, जो पिछला कुर्बानी है उनको भूलकर लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो ये मत मनाइएगा। आज आपको फील हो रहा होगा ना, सभी रो रहेंगे, घर में कितने मेरे भाई बहन हैं, या टीवी देख देख कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे होंगे, लेकिन बस आज के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर सच में देश भावना है, सच में वो चीज निकल रहा है ना, तो ये चीज आप कभी नहीं मत मनाइएगा, भारत देश तो मनाएगा ही नहीं मनाएगा, जितने भी विदेशी मनाए या मनाए, 14 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाएंगे, ये आपको सोचना है। और याद रखिएगा, अगले 14 फरवरी पर ना अगर कोई भी वैलेंटाइन डे का पोस्ट मारता है ना, तो गाली ही दीजिएगा, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि 14 फरवरी शहीद दिवस ही हम लोग मनाएंगे। जो पांचवा चीज है,
अक्सर मैंने देखा है, बहुत बार देखा है अपने रिलेटिव में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, मेरे खुद के फैमिली में 15 जन जो ऐसे हैं जो आर्मी में है, एनडीए में है, फिर या बोल सकते हो आर्मी में है, बहुत सारे 15 मेंबर टोटल है, आप लोग अक्सर देखे हैं वो लोग आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं फौजी को, यार ट्रेन के डब्बे में सीट तक नहीं देते कोई फैमिली वाले, कोई एक लड़की को जरूर दे देंगे लेकिन एक फौजी भाई खड़ा रहेगा ना उसको सीट कोई नहीं देगा, वो खड़ा रहता है सारा दिन, जनरल बोगी हो बाथरूम के पास खड़ा हो। लेकिन आप लोग आज के बाद ये आज आपको लग रहा होगा, मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज आपको ये सब चीज का वैल्यू जो है ना, जो कीमत है, जो महत्व है, वो आपको समझ में आनी चाहिए आज के दिन, और वो गलती नहीं करेंगे जो गलती आप करते हुए आए हैं। तो कहीं पर भी आपको फौजी भाई मिल जाए तो उनका हेल्प जरूर करिएगा, अगर वो प्रॉब्लम में है तो सब कुछ भूलकर आपको पहले उनका हेल्प करना है, ठीक है। ये नहीं कि अक्सर देखा है कि कोई आता है तो क्या बोलते हैं, यार कैंटीन से ये सामान ला दे, कैंटीन से वो सामान ला दे, यार वो फौजी है, वो है तो हम लोग है, आप ये क्यों नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पांच चीज आपको फॉलो करना है, ये चीज तो फॉलो करना है भाई, इंडियन फ्लैग वाला जितने भी मेरे भाई बहन है सबको डीपी बस आज के लिए नहीं, पूरा जब तक बदला पूरा नहीं होता तब तक लगाना है। क्योंकि क्या हुआ था आपको पता है, 26/11 पता है उसके अटैक के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर हो रहा है पठानकोट उरी क्या हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ फिर हुआ, लेकिन अब ऐसा डिसीजन चाहिए, ऐसा बदला चाहिए ना कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कोई भी आतंकवादी अब वैसा कदम ना करे, और हम लोग ऐसा कर सकते हैं यार, बहुत हम लोग काबिल है, बहुत पावरफुल है पाकिस्तान, हम लोगों का कुछ नहीं है। और आप लोग बोलते हो ना, अब बहुत जन बोलेगा भैया लड़ाई करवाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज जाकर हर एक हिंदुस्तानी से पूछेंगे ना आप तो वो क्या बोलेगा, हम लोग भी रेडी है बॉर्डर पर जाने के लिए, जितना घर का सामान नष्ट हो हम लोग भी रेडी है। तो हम लोग को लड़ाई चाहिए, हम लोग को करना है, बदला लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आज 42 मरे हैं, कल बहुत मर सकते हैं, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर आप ट्रू इंडियन हैं, मीडिया गए तेल लेने, नेता लोग कल रैली में व्यस्त हो जाएंगे गए तेल लेने, आपको इतना काम करना है ताकि उनको भी याद हो कि सब जगह ये चीज घूम रहा है। ये मान लो एक शेयर करोगे एक कैंडल जलेगा, ये करेंगे, लेकिन अगर इंडियन फ्लैग तब तक आपके डीपी में लगा होना चाहिए तब तक बदला ना आ जाए, कोई डिसीजन नहीं, कौन क्या बोल रहा है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप इंडियन फ्लैग लगा कर रखोगे। अब बोलोगे इंडियन फ्लैग कहां मिलेगा, सब जगह मिलता है, दिल में मिलता है, गूगल कर लीजिए, लगा दीजिए डीपी पर, ठीक है। और एक बात और, जितने भी मेरे भाई बहन है फौजी ना, मैं आपको मेरा जो पेन ड्राइव कोर्स है आपको पता है वो पेड है, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ जितने भी मेरे फौजी भाई है ना उनको, और जो तैयारी करते हैं, जो आर्मी में रहते हुए भी तैयारी करते हैं या फिर जिनके बेटे हैं जो तैयारी करते हैं बैंक का एसएससी का, उनको मैं पेन ड्राइव कोर्स मैं बोल दे रहा हूँ, जो पेन ड्राइव कोर्स है सक्सेस की 98 का वो पूरा फ्री, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। अगर आप हैं तो आप एक काम करिएगा, सक्सेस की edu98@gmail.com पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, आपको वो जो पेन ड्राइव है आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, अब देखो उनके आड़ में सब कोई हेल्प मत लीजिएगा, बस उनके लिए सभी को मैं फ्री दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी के साथ।